दोस्तों अगर आप भी शिखर धवन को महान बल्लेबाज मानते हैं तो हमारी इस वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा। दोस्तों इंग्लैंड के खिलाफ जीत हासिल करने के बाद वेस्ट इंडीज के खिलाफ होने वाली वनडे सीरीज के लिए शिखर धवन को बनाया गया भारतीय टीम का कप्तान और कप्तानी संभालने के बाद शिखर धवन हो गए इमोशनल और कह दिया कुछ ऐसा जिसे सुनकर आप भी रो पड़ेंगे। और आखिरकार शिखर धवन ने कौन सा इमोशनल बयान दिया ये तो आगे हम आपको वीडियो में बताएंगे, लेकिन उससे पहले आप सभी को क्या लगता है कि रोहित शर्मा, शिखर धवन और महेंद्र सिंह धोनी में कौन है बेहतर बल्लेबाज? इस बात का जवाब हमें नीचे कमेंट सेक्शन में जरूर दीजिएगा। दोस्तों इंग्लैंड को हराने के बाद भारतीय टीम वेस्ट इंडीज को उसी की धरती पर हराने के लिए निकल चुकी है। जहां वेस्ट इंडीज की टीम के खिलाफ भारतीय टीम के सीनियर खिलाड़ियों को आराम दिया गया तो वहीं पूरी की पूरी नई टीम वेस्ट इंडीज के खिलाफ खेलती हुई दिखाई देगी। जहां वेस्ट इंडीज की कप्तानी निकोलस पूरन को दी गई है तो वहीं भारतीय टीम की कप्तानी शिखर धवन के हाथों में पहुंच गई है। और इस बीच वेस्ट इंडीज के खिलाफ भारतीय टीम पहले 3 मैचों की वनडे सीरीज और उसके बाद 3 मैचों की T20 सीरीज खेलेगी। और इस बीच आपको बता दें कि वेस्ट इंडीज के खिलाफ भारतीय टीम का रिकॉर्ड बहुत ही शानदार है, जिसमें अभी तक वेस्ट इंडीज के खिलाफ भारतीय टीम ने 136 मुकाबले खेले, जहां 67 मुकाबले में भारतीय टीम को जीत मिली है तो वहीं 63 मुकाबलों में हार का सामना भी करना पड़ा है। लेकिन पहले वेस्ट इंडीज की टीम कुछ ज्यादा ही ताकतवर थी, लेकिन अब पहले वाली क्षमता वेस्ट इंडीज के अंदर नहीं है और भारतीय टीम और भी ज्यादा मजबूत हो चुकी है। और वेस्ट इंडीज के खिलाफ पिछले 5 मुकाबलों में भारतीय टीम ने लगातार जीत दर्ज करी है। और इसी बीच शिखर धवन ने कप्तानी संभालते हुए भावुक होकर इमोशनल बयान दे दिया जिसको सुनकर आप भी रो पड़ेंगे। दरअसल शिखर धवन ने कप्तानी संभालते हुए इमोशनल बयान देते हुए कहा कि भारतीय टीम की कप्तानी संभालना बहुत ही बड़ी जिम्मेदारी की बात है और मैं इस जिम्मेदारी के योग्य हूँ, ऐसा समझने के लिए BCCI को धन्यवाद, क्योंकि मुझे कभी भी इस बात की उम्मीद नहीं थी कि मैं भारतीय टीम की कमान भी संभालूंगा, लेकिन BCCI ने मेरे ऊपर भरोसा किया और मुझे कप्तानी के योग्य समझा और उसके लिए BCCI को धन्यवाद देना चाहूंगा, क्योंकि भारतीय क्रिकेट के लिए मैंने लंबे समय तक बल्लेबाजी करी है परंतु कभी भी मैंने जिम्मेदारी नहीं संभाली है और ये मेरे लिए बहुत ही नया अनुभव होगा। हालांकि मैंने IPL में हैदराबाद के साथ रहकर कप्तानी करी है परंतु भारतीय टीम की कमान में पहली बार संभालूंगा, जिसको लेकर मैं बहुत ही ज्यादा नर्वस हूं और साथ ही साथ मुझे बहुत ही ज्यादा अच्छा भी लग रहा है और मैं अपने आप को गर्व महसूस कर रहा हूं, क्योंकि किसी भी ऐसी टीम की कप्तानी करना जो दुनिया की सर्वश्रेष्ठ टीम मानी जाती है और जिसमें दुनिया के सर्वश्रेष्ठ खिलाड़ियों की सूची के बावजूद भी आपको टीम की कमान दी जाए, ये वास्तव में बहुत ही अच्छा अनुभव है और भारतीय टीम के लिए मैं कप्तानी करने के लिए तैयार हूँ। लेकिन मेरे लिए सबसे बड़ी बात यह है कि मुझे IPL में बेहतर प्रदर्शन करने के बावजूद भी टीम में शामिल नहीं किया गया था, लेकिन उसके बाद BCCI ने मुझ पर आखिरकार भरोसा किया, क्योंकि भारतीय टीम में सलामी बल्लेबाजों की कमी शुरुआत से ही रही है और बेहतर खिलाड़ियों के बावजूद भी मुझे टीम में शामिल किया गया और मुझ पर भरोसा दिखाते हुए एक सीरीज के अंतराल में मुझे कप्तानी सौंप दी गई और इस बात के लिए मैं BCCI को एक बार और धन्यवाद देना चाहूंगा और कोशिश करूंगा कि भारतीय टीम के लिए जिम्मेदारी भरा प्रदर्शन करके मैं भारतीय टीम को जीत दिलाऊं। दोस्तों आपको क्या लगता है कि शिखर धवन पहले वनडे मुकाबले में कप्तानी करते हुए भारतीय टीम को जीत दिला पाएंगे या फिर नहीं? इस बात का जवाब हमें नीचे कमेंट सेक्शन में जरूर दीजिएगा और ऐसी ही शानदार खबरों के लिए सब्सक्राइब कीजिए हमारे YouTube चैनल को। धन्यवाद।